नमस्कार, मेरा नाम देव और आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपब्लिक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीतानगर पावर हाउस के सामने। और पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखे होंगे कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जो जनरेटर सेट है यहाँ से लेके जाना चाहते थे सराजदीप में, इसको रोकने के लिए पूरा धरना प्रदर्शन इसी गेट के सामने हुआ था कल। और आज जाए 8 तारीख, आज भी सुबह से धरना प्रदर्शन चल रहा था, पूरा रात भर धरना दिया है, पूरा रात भर रुके थे इसी गेट के सामने। और आज जो है एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुआ कि ये जो जनरेटर लेके जाएंगे सराजदीप, फिर रीइंस्टॉल किया जाएगा 1-1.5 महीना बाद। तो उसी के साथ ये लोग रजामंदी हुआ सरकार के साथ, तो उसी के बाद अभी जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे ये अभी विड्रॉ कर रहे हैं और अभी वो धरना प्रदर्शन ख़त्म होने जा रहा है। चलिए उससे जुड़े कुछ बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाहता आज का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो बातचीत हुआ उसको लेके। तो बने रहिए हमारे साथ। पार्टी कार्यकर्ता এখানে রাতে শুয়েছিল, আমাদের ডিমান্ড ছিল যে ডিগলিপুরে জেনারেটর আছে সেই জেনারেটর আমরা নিয়ে যেতে দেব না। কালকে 6টা নাগাদ অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ডিগলিপুর এখানে এসেছিলেন, ওনার মাধ্যম থেকে আমরা জানতে পেরেছি উনি অ্যাসুরেন্স দিয়েছেন ডিগলিপুরে অন্ধকার থাকবে না। পুরো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কথা দিয়েছে ডিগলিপুরে অন্ধকার থাকবে না। রাত 9টার সময় চিফ সেক্রেটারির সঙ্গে কথা হয়েছে, তিনিও অ্যাসুরেন্স দিয়েছেন যে ডিগলিপুরে 1.5 মাসের মধ্যে 1.5 মাস পরে উনি নতুন জেনারেটর দেবে। আমাদের ভাবনা এবং আমরা আশা করি খুব শীঘ্রই আমাদের রাত দিন 24 ঘন্টা যে ধরনা ছিল সেই ধরনার কোন এক সলিউশন বের হবে, তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনারা এই মঞ্চে চলে আসুন। আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে যে জন আন্দোলন যে ধরনা আমরা করেছিলাম সেই ধরনার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পক্ষ থেকে একটা পজিটিভ ধারণা আমরা মনে করতে পারি, তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনারা যারা যারা দূরে দূরে দাঁড়িয়ে আছেন কাল থেকে যারা এই ধরনায় একগ্রত হয়ে সাথ দিয়েছেন এবং সীতানগর বিশেষ করে সীতানগর গ্রামবাসী আপনাদের সবাইকে আহ্বান করছি আপনারা এই মঞ্চে চলে আসুন এবং আমাদের যে ধরনা এই ধরনা এইভাবে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এখানে আসবে। তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনারা দয়া করে যোগদান করুন এবং এই ধরনাকে সাফল্য মণ্ডিত করুন। নমস্কার, বন্দে মাতরম, জয় হিন্দ। साथ दिया है और उसके साथ साथ, लेकिन उन लोग का भी नींद नहीं था, उनके साथ साथ हमारे सीएस साहब को साहब का भी। मैं सीएस साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो आने के बाद में हमारा डिगलीपुर का जो भी मांग था वो पूरा किया है। शायद हम लोग से इस मामले में थोड़ा बहुत नाराज़ हो सकता है, लेकिन हम लोग यही बोलना चाहता है कि जब तक ऐसा कुछ लिखित में नहीं आता था पब्लिक किसी को भरोसा नहीं करता था, इसलिए हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा भरोसा था। लेकिन क्या है, हमारा जो पब्लिक है, पब्लिक तो हम लोगों को ऊपर में भरोसा करना, वो भरोसा जो है इस लेटर का माध्यम से आज सीएस साहब का माध्यम से जो आया है, मैं बहुत बहुत उसको भी धन्यवाद देता हूँ। साथ में डीसी साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, इसी साहब भी कॉपरेट किया है। उसके साथ साथ यहाँ का डिगलीपुर का जो DSP है और SHO है, हम लोग तो धरना किया है, हमारा लोगों का मांग है, हमारा मांग है डिगलीपुर का, लेकिन उनका भी नींद नहीं था और बहुत अच्छा से हमारा साथ दिया है और अच्छा से अपना जो दायित्व है वो निभाया है। मैं खास करके SHO सब डिगलीपुर का उसे भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये लेटर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर पावर डिपार्टमेंट ने लिखा है, जिसमें उन्होंने आप पढ़ सकते हैं सेकंड पैराग्राफ में स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि अभी टेम्परली इसको शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि आइलैंड में कहीं और ज़रूरत है, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, और इसको दोबारा रीइंस्टॉल कर दिया जाएगा 1st week of February तक। तो ये लेटर आप लोग ले लीजिए और मेरी दरख्वास्त है आप सभी लोगों से कि प्लीज़ अपना ये धरना प्रदर्शन प्लीज़ कॉल ऑफ करें और इसमें लिखा ही हुआ है वो आ जाए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे CS सर को और DC सर को, खास करके आपको, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर है और
हम लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन का साथ मिल के ही काम करने आए सर, इसीलिए डिग्लीपुर का एक बड़ा दिक्कत था। आप नए नए आए हैं डिग्लीपुर में, आपको बहुत वेलकम है। और हमारा धूप काल में एक्चुअली सर यहाँ में जो हमारे लोकल ऑफिसर है सभी को मालूम है धूप काल में परेशानी होता है, इसीलिए आज हम लोग ये धरना को हम लोग यहाँ किए थे सर। यह 24 आएगा सर, 23 है वो तो टाइपिंग की मिस्टेक है। फरवरी तो अगला वही आने वाला है ना, 2024 ही आने वाला है। फरवरी 23 तो बीत चुका है, उसमें यहाँ पे अपडेट देख लीजिए तो कल आज की है सर। बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमारा साथ दिया, क्योंकि 4-5 दिन पहले भी आपने एश्योरेंस किया था आपका, जब चैम्बर में गए थे तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो है वो लिखित में देंगे। फिर कल भी आप आके हमें बहुत समझाने का कोशिश किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो एश्योरेंस किया लिखित में दिया, हमने मांग किया था लिखित में देने का, आपने लिखित में मुझे दिया, इसके लिए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को मैं धन्यवाद देती हूँ।